अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के खंडिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 1/4 या उससे भी कम एक चुटकी मैं हींग का शामिल कर रही हूँ, एसाफोटिडा। हाफ कप दही और ये जो ग्राम फ्लावर है चिकपी फ्लावर यानी कि बेसन, ये 1 कप है और हाफ कप दही है, 1 पिंच हींग का है एसाफोटिडा का। तमाम चीज़ों का मैं मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और वहीं पे मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पर सॉल्ट। सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट शामिल कीजिए, मैं मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ। धनिया पाउडर, दैट्स कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने ये स्पून से 2 बार डाला है। दैट इज़ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून और थोड़ा सा और ले लेंगे रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। और इसी के साथ 1/2 टीस्पून में गरम मसाले का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून मैं जीरा पाउडर डेट्स क्यूमिन पाउडर। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे बिकॉज हमने इसमें दही डाला हुआ है। जब कोई सब्जी बनाने को समझ में नहीं आए कि क्या बनाया जाए तो ये बहुत बेस्ट तरीका है बनाने का। इंशाल्लाह बहुत अच्छी भी बनती है ये और घर में सभी को पसंद भी आएगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप पहले पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छी तरह मिक्स करना है, थोड़ा भी इसमें लम्स ना रहे, इस तरीके से इसे मिक्स करना है, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। यह हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होना चाहिए कि ये इस तरीके से गिरे। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पे एक वेसल रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीली एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को इसमें पोर कर देंगे। इसे चलाएंगे अभी अच्छे से। इसे थोड़ा चलाएंगे, कंटिन्यू स्टर करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब इसे चलाएंगे। इसमें मैंने 1/2 कप पानी और डाल दिया है, यानी कि टोटल हमने 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह पकाएंगे, कंटिन्यू हाथ चलाएंगे वरना ये नीचे लग सकता है। तो इसे चलाएंगे अच्छे से, अच्छी तरह चमचे से चलाएंगे, लम्स होने बिल्कुल नहीं देंगे। आज हम बाज़ार गए थे तो कुछ भी नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, कुछ भी, और सब्जियां भी कुछ अच्छे नहीं थे, तो सोचा क्या किया जाए, तो चलो जब कुछ ना हो बनाने तो यही बना लेते हैं। इसमें मैंने 1/2 कप और पानी शामिल किया था, टोटल 1.5 कप पानी मैंने डाल के इसे अच्छी तरह अभी पका लिया है। तो इसी पॉइंट पे अब हम बस अभी 1 मिनट में इसे चला के बंद कर देंगे। इसी तरह चाहिए था हमें,
एक मिनट और चलाएंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इस प्लेट में हमने ऑयल लगा लिया है, ऑयल लगा दिया है। अब हम इस प्लेट में पूरा कढ़ाई से निकाल के बेसन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यह हमने पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और ये जो इसमें लगा हुआ है ना, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो अभी हम पहले इसे अच्छी तरह फ्लैट कर देते हैं। एक फ्लैट चम्मच के मदद से इसे अच्छी तरीके से जमा लेंगे और इसे सेट होने देते हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो अभी इसे हम सेट करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये चारों तरफ से साइडों से अच्छी तरह जमा लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये अभी सूख गया है तो अब मैं इसमें कट्स लगा दूंगी। आप कैसे भी कट्स लगा सकते हैं, डायगोनल शेप में, स्क्वायर में, आपको जैसे चाहिए कट्स लगा सकते हैं। ये कट्स लगा दिया है मैंने, तो अब हम इसे एक एक करके निकालेंगे इस तरीके से, एक एक पीस इस तरीके से बाहर निकालते हुए। ऐसे निकालेंगे, सारे पीसेस हम अलग कर देंगे, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तमाम पीसेस अलग हो चुके हैं तो अब मैं इसे साइड में कर देते हैं और अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस पे मैंने एक बर्तन रख दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। तो अब मैं इसके साथ शामिल करने जा रही हूँ चंद पत्ते कड़ी पत्तों के और 2 हरी मिर्च, साथ ही एक बारीक कटी हुई प्याज। अब इसे ट्रांसल्यूशन होने तक भून लेंगे, तो 2 मिनट का वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसमें, बस 2 मिनट हम इसे चलाएंगे और प्याज का ट्रांसल्यूशन होने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। कड़ी पत्ते, चंद पत्ते कड़ी पत्तों के और मैंने 2 हरी मिर्च को, मोटी वाली मिर्च है, 2 हरी मिर्च को ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। थोड़ा सा और भूनेंगे, यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, दैट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। इससे ये जल्दी, प्याज जो है वो जल्दी ट्रांसल्यूशन हो जाएगी। इसी के साथ अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा और डाल देंगे, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसे भून लेंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले ना जले। थोड़ा सा और डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहीं पे अब मैं 1/2 कप दही शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे।
और अभी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी शामिल कीजिए। तो मैं यहाँ पे हाफ कप ही डाल रही हूँ। पहले हमने मसाला भुनने में हाफ कप शामिल किया और अभी हाफ कप यानी टोटल 1 कप। अब मैं इसका लेड लगा दूंगी और इसे कुक होने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। इसे ओपन करते चेक करते ये अच्छी तरह पक रहा है। तो अब हम ये जो हमने साइड ये जो बेसन जिसमें भुना था शुरू में वो बर्तन का सारा मसाला हमने पानी में मिक्स करके निकाल लिया है जो साइडों पे लगा था। और हाफ टी स्पून मैं जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसे चलाएंगे, एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट। एक बॉयल का वेट करते हैं, तो दोबारा से कवर लगा दूँ फिर बताते हैं। ओपन करेंगे, अभी अच्छी तरह पक रहा है। तो अब हम इसमें अपनी ये खंडिया एक एक करके शामिल करते जाएंगे। एक एक खंडिया हम शामिल करेंगे। और इसे ज़्यादा चम्मच जोर से नहीं लगाएंगे, हल्के से इसे चम्मच लगा के घुमाएंगे। 5 मिनट इसे अभी पकाएंगे डालने के बाद। ये हो गया, थोड़ी धनिया पत्ती भी शामिल कर देंगे और इसे हल्का हल्का चम्मच लगाएंगे, जिस तरह हम कोफ्ते में हल्के हल्के चमचे लगा के कोफ्तों को हिलाते हैं, बस उसी तरीके से हल्का हल्का चम्मच लगाएंगे, ज़ोर से चम्मच नहीं लगाएंगे इसमें। 5 मिनट में इसे कवर कर दूंगी, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। थोड़ा सा एक बार और चला लेंगे, 5 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल हल्के हल्के चमचे हिलाएंगे, ज़ोर से नहीं हिलाएंगे। सो इट्स टाइम टू सर्व। गर्मा गर्म खांडिया तैयार है। इसे आप खिचड़ी के साथ रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इसे ज़रूर बनाइए। अगर लॉकडाउन में आपको कुछ भी सब्ज़ी नहीं मिल रही और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही बेहतरीन है रेसिपी। इसे ज़रूर बनाइए और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, और ये इस लॉकडाउन में ये खांडिया ज़रूर बनाइए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। राहत किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।